हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने बिजली के बिल में अपना मोबाइल नंबर कैसे ऐड कराएं, या पहले से ऐड है और नंबर हमें चेंज कराना है तो उसको कैसे चेंज कराना है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब हम कनेक्शन लेते हैं, मान लो अपन ने 5 साल 10 साल पहले कनेक्शन लिया है और उसमें मोबाइल नंबर दूसरा है और वो नंबर हमने चेंज कर दिया है, तो उस कारण क्या होता है, जब नंबर चेंज होगा तो बिजली विभाग की कोई भी मैसेज, जैसे सब्सिडी या कोई नई योजना आती है, तो वो हम लोगों को नहीं मिल पाता, जिस वजह से हम उस योजना का लाभ उठाने में पीछे रह जाते हैं। तो मोबाइल नंबर चेंज अगर हम करा लेते हैं तो हमें मैसेज मिलने लगेंगे और जो भी योजनाएँ आएंगी उनकी जिम्मेदारी, मतलब जानकारी हमको मिलने लगेगी। तो उसके लिए करना क्या है, आपको मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आप बिजली ऑफिस जाएं, वहाँ जाकर आप प्रभारी अधिकारी को या ऑफिस में जो भी कर्मचारी हो उसको बता दें कि मेरा मोबाइल नंबर जो है पुराना वो बंद हो गया है और मेरे को नया नंबर ऐड कराना है। तो वो तुरंत, या तुरंत जैसे ही आप बोलेंगे, वो कंप्यूटर में आपका बिल की जो डिटेल है वो खोल के, पुराना नंबर हटा के वहाँ पर नंबर, नया नंबर डाल देंगे। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें कोई झंझट नहीं है। और जहाँ तक कि कोई आवेदन भी आपको देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ उनसे बोल दें और वो चेंज कर दें। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।